हेलो फ्रेंड, कैसे सब? मैं हूँ फिरोज। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फिरोज टिक एंड टिप्स। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर है, इसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो एक MI जो अभी नया वाला लॉन्च है, MI 11 सीरीज वाला है, उस 11 सीरीज को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो उस वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहिए। अगर आप नए नए फर्स्ट टाइम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए और जाते जाते मेरा चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरीका हर एक वीडियो आज से लेकर मैं हमेशा आप लोगों को लाता रहूंगा। तो चलिए लेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा जो MI का जो Xiaomi 11i 5G वाला जो हाइपर चार्जर वाला मोबाइल, जो इंडिया का नंबर वन ब्रांड मोबाइल है ये MI का। तो चलिए इसको हम अभी शुरू करते हैं। इसका क्या क्या प्रोसेसर है, इसका बैग में आप देख सकते हो, इसका देखो आप लोग आराम से, जो मीडिया टेक डायमंड सिटी 920 5G वाला है, जो 6nm प्रोसेसर से काम करता है। तो इसका देखो 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो हाई स्पीड में आपको रिजल्ट देने वाला है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। तो आइए है 8GB प्लस 128GB के आने वाला है। इसका कैमो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन और ब्लैक को मिक्स करके ये कलर बनाया है, जो एकदम पर्सनल कलर है, एक मेटेलिक कलर है, बहुत अच्छा लगा। गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ ही आता है। तो चलिए इसको हम अभी रिव्यू करते हैं। तो ये आ गया हमारा जो MI का ब्रांड वाला मोबाइल। तो चलिए आज का जो है पहले उसको हम देख लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है। तो चलिए हमको पहले इसे ओपन करना है। ये जो सिम ट्रे है, जो सिम हम पिन भी कह सकते हैं, जो सिम वगैरह हम डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इसी के जरिए हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम और दिया है, ये है मोबाइल का जो बुक, अगर आपको कुछ भी यूज करने के लिए नहीं आता है तो ये पढ़ के आप यूज कर सकते हो मोबाइल को। तो ये है जो उस मोबाइल का जो बैक कवर दिया है, जो फ्लेक्सिबल है, रबर के साथ बहुत फील भी बहुत अच्छा देता है, और ये कवर मुझे बहुत पसंद है, सबसे बेहतर कवर यही है। तो इसके साथ आते हैं हमको USB केबल, जो कि हमें इस मोबाइल के जरिए कंपनी ने हमें दिया है। तो USB आप लोग देख सकते हो, USB लिखा है। तो चलिए इसके बाद और एक हमको जो देता है, यही है सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। तो ये है उसका जो चार्जर, जो हाइपर चार्जर वाला, जो 120 वाट का चार्जर है, ये है इसी का, जो आप लोग देख सकते हो, ये है उस चार्जर, जो कि 15 मिनट के अंदर आप आराम से 100% चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम मोबाइल के अंदर जाएंगे। तो मोबाइल ने हमको इसी तरीके से दिया है कंपनी ने, सील पैक पूरा नया। देखो इसका जो साइड में आप लोग देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम बटन है, जो प्लस और माइनस वाला दिया, इसके नीचे है जो साइड फिंगरप्रिंट है, अभी तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देते हैं, लेकिन मुझे सबसे पसंद है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं, साइड फिंगरप्रिंट मुझे पसंद है, क्योंकि साइड फिंगरप्रिंट से हम हमेशा बोले तो लॉन्ग टाइम हम यूज कर सकते हैं। देखो अगर हम इन डिस्प्ले में अगर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा डिस्प्ले खराब हो गया तो हमारा फिंगर भी खराब हो जाएगा, इसलिए साइड फिंगर सबसे अच्छा है। तो इसके ऊपर हमको देखो स्टोरेज स्पीकर डबल दिया है, ऊपर भी और इसके नीचे भी दिया है। इसका साउंड क्वालिटी सबसे बेहतर है, और इसके ऊपर हमको और भी मिलने वाला है। देखो ये दो ही ब्रांड से आता है। इसका कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो, देखो इसका जो बैकग्राउंड बहुत पसंद है, बोले तो अट्रैक्टिव कलर है और अट्रैक्टिव ब्रांड के जैसा यह लग रहा है, क्योंकि इसका कैमरा डिजाइन भी बहुत सबसे बेहतर है। तो ये 6GB के साथ 128GB आता है, और दूसरा वाला आता है 8 से 128 आता है। अगर 6GB और 128 आपको लेना है, तो 6GB 128 से आपको मिलने वाला है 25,000 रुपया के अंदर। अगर आप 8 से लेकर 128 अगर वो लेते हो, तो आपको वो पड़ेगा 29,000 तक जाएगा, लेकिन अब डिस्काउंट से 27,000 रुपया आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज हम इसे, इसका क्या क्या प्रोसेसर है, इसका जो ये जो चार्जर का वेट है 202 ग्राम वाला ये चार्जर का वेट है, लेकिन ये मोबाइल है 206 ग्राम, बोले तो चार्जर जितना वेट है इसका मोबाइल भी उतना ही वेट है। तो चलिए इसका और क्या क्या हमको दिया है, साइड फिंगरप्रिंट मैंने आपको बता दिया हूँ, और ये जो
वॉल्यूम लॉक करिए, तो मैंने आपको बताया हूँ वॉल्यूम लॉक कर दिया है, ऑफ ऑन कर सकते हो और प्लस माइनस भी कर सकते हो, और ऊपर दिया है हेडफोन जैक दिया है, और इसके स्पीकर दिया है जो स्टेरियो स्पीकर है, स्टेरियो और जेआर जैक भी इसमें आपको काम करने को मिलता है। तो इसका नीचे आपको दिया है हाइब्रिड सिम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमेशा इस तरह इस साइड पे आपको देते थे कंपनी, लेकिन अभी नीचे दिया है जो आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड भी आप आराम से यूज कर सकते हो। ये है नीचे इसको दिया है, तो चलो इसको हम ट्राई करते हैं ये ठीक से काम करता है कि नहीं। तो हम अभी ये ओपन करने वाले हैं कि किस तरह से हम सिम और मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। तो चलिए ये देखिए हम ओपन किया है। सॉरी यार, मैंने जो बताया दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है, ये हाइब्रिड सिम ट्रे है जहाँ हम एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। अगर मेमोरी कार्ड आपको ज़रूरी नहीं है तो आप आराम से दो सिम डाल सकते हो। इसी तरीके से ये MI 11i जो 5G मोबाइल है हमें प्रोड्यूस किया है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा करके ये मोबाइल लॉन्च किया है, मुझे बहुत पसंद है। इसका कैमरा आप देख सकते हो, कैमरा जो रियल कैमरा है 108, और वो जो अल्ट्रा है वो जो 8 मेगापिक्सल का, और जो नीचे जो डेप्थ कैमरा वो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हैरान होने की बात नहीं। तो ये मोबाइल मेरा पसंदीदा मोबाइल है। अगर आपको ये मोबाइल कैसा लगा है, अगर आप भी खरीद लिया है, अगर नहीं खरीदा है तो तुरंत ये री रिपब्लिक डे में आपको आराम से ऑफर के साथ मिलने वाला है, आप आराम से ले सकते हो। ये मोबाइल इंडिया का सबसे नंबर वन ब्रांड है और मेरा भी एक फेवरेट मोबाइल है, रेडमी 11 हाइपर चार्ज मोबाइल वाला है। तो थैंक यू यार, आप लोग मेरा वीडियो कम्प्लीटली देखा है, अगर देख लिया है, पसंद हुआ है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए मूड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।